बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस टॉक्स अगर माया शौकत ज़रदारी। व्यूअर्स, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वारे मंसूबे नई सरकार के मुंझारे में विझी छो है। नई सरकार इन प्रोग्राम में, इन प्रोजेक्ट में कुछ तब्दीलू कराण चाहे थी। नई सरकार के मुताबिक खास तौर से जो वापार वाली वजारत है, उनके सलाहकार उन हवाले से बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक अहम खबर लगी, जैसी बाद में उन्होंने तरदीद कई, बल्कि उन्होंने यो चो तो पाकिस्तान ए चाइना बई इन मनसूबे से मुतफिक आन। जैसे अखबार में यो लगो हो तो इनमें चाइना के वधिक फायदो आ, पाकिस्तान जो घट फायदो है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अज मीडिया में जेर बहस है। इन सिलसिले में वधिक तफसील मालूम कंदासी इस्लामाबाद में असाजा ब्यूरो चीफ हैं नज़ीर चारण। नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ीर, ही जेके खबरों अचन पे इस्लामाबाद में खास तौर से चीनी जेके परदे ही वजीर होया उन्हें जी मुलाकात का पोए कुछ नवा चौबोल, कुछ नया खदशात इन प्रोजेक्ट के हवाले से सामूँ आया है। तहां वट इन सिलसिले में छा जान है? जी बिल्कुल, तुम सही पा चो, पर जैसे खास तौर पर अज बरतानवी इदारे तरफा जी खबर शायद कई हुई है सीपेक के हवाले से, उनको है सो जी शके शुबा तमाम घना वी छोजो मौजूदा हुकूमत जी हुई जी हली रही है तरीके से नई हुकूमत आई है तब्दीली के नारे के हेठ उनो यो चवण हो तो सीपेक जो है सो मुल्क की खुशहाली लाए तमाम जरूरी है। आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है सो यो सीपेक जो माना जी इफ्तिताह थिया आसिफ अली जरदारी जो चवण हो तो यो चीन असाजा भाईर चीनी असा गजी कर पाकिस्तान की तरक्की लाए यो मनसूबो शुरू कर जैसे अग बराई जो है सो मुस्लिम लीग नून वारन जो है सो उनके जो है सो जे मनसूबन के ग्वादर पोर्ट वा शुरू थे उनके भी हथी दिनी गई, पर अज जे इतने जे गदक में इस्लामाबाद में ये हली रहा है त मौजूदा हुकूमत जो है सो थोड़ो सीपेक वे मामले से लचक जो मुजाहरों कर रही है, सुस्त रवि जो मुजाहरों कर रही है। इन सिलसिले में जो है सो चीन जो परदे वजीर आयल हो मानू जी मल वो भी जो है सो उनको सो वजीर आजम से मुलाकात की, परदे वजीर से भी मुलाकात की। इन सिलसिले में सीपेक के जो है सो बीहर जो है सो उनके तेज करके मनसूबो जो सीपेक वो जो रुक उनके तेज कर लाए जो सो नवन मनसूबन के हवाले से मुख्तलिफ तजवीजन पे गौर विचार। नज़ीर, यो बुझाजो मसलो है छोजो इनमें तो को शक कोने तो ही जो बरतानवी अखबार दावा कई है फाइनेंशियल टाइम्स के इन मनसूबे के रोल बैक किया पे वे यो तो पॉसिबल कोने, पर कड़ा उ मनसूबा जे सीपेक जे अम्ब्रेला जे हेठ ही नई सरकार शामिल कराण चाहे थी, ए मनसूबा छा को डिज़ाइन जो जो सो डिज़ाइन की तब्दीली है या कुछ नवन रोडन रस्तन जो जार है? मनसूबा कड़ा इन छा वो खबर पेजी सकी है जेका ही सरकार चाहे थी तो उनमें शामिल किया वन? जी बिल्कुल, इनमें यो हो तो जैसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही तो केपी के हुकूमत तरफा जो सीपेक वो जो मनसूबो हो जो रोड रस्ता हुआ उन्हें केपी के हुकूमत तरफा काफी एतराज किया वो तो असाके इन शहर अस सीपेक में मनसूबे में शामिल न कर पे वे जैसे असाके इन एतराज आ, पर अज जो है सो खुद के तरीके साजी तब्दीली की हुकूमत आई है नारे के हेठ वह पा हाँ थी सके थी जी सूबाई हुकूमत जो मौकुफ हो उनके हथी दियण लाए अज उनके बरकरार रखने लाए यो जो फॉर्मुलो इख्तियार किया छो जो सीपेक तकरीबन हाँ काफी मुकम्मल भी थे वो है इन जो सजो जो फायदो हो वो हकीकत में यो है तो चीन के फायदो हो हाँ जो है सऊदी जो वजीर इतलात आए हो अमरीकी परदे जो वजीर जो अचानक दौरों कर अचानक रवाना थी वह उन खिते की सूरत हाल तक जो है सो खास तौर से सीपेक के एतराज जे वारा हुआ सऊदी हुकूमत भी उन एतरे सीपेक वे मामले से एतराज वारा हुआ वो मौजूदा हुकूमत जो सो अड़ो रस्तो कढ़ चाहे थी तो सीपेक के थोड़ो जहाँ डिले करो ही डेमनारो सिस्टम जो हिंसर हाँ शुरू किया जो वजीर आजम खुद जो इमरान खान की पार्टी में थी पीटीआई में एतरा सरमाएदार एतरा बिजनेसमैन एतरा अमीर मानू आन जे चाहन तो वो डेमन जहा पैसा पा भी दी सकन था, पर ये हाँ वो जो सो चंदा मुहमारे सिलसिले में जो सो हुकूमत सजो जो सो ध्यान ओडे दे रही है मुल्क जहाँ जे सरबराह भी जो सो माना जे इंसाफ दींदड़ उ भी चंदन में लगा पा वजीर आजम खुद मौजूदा हुकूमत जो है सो वो भी चंदे मुंह में लगो पो अज पाक फौज के सरबराह आर्मी चीफ जनरल कमरजात बाजवा भी चीफ जस्टिस ने असा मिसाल से मुलाकात कई डेमन के हवाले से
चंदन के हवाले चंद चेक जो है दिनी है पासपोर्ट के ऑफिसर भी जो है सो एक महीने की जी पगार है वह जेमन में हवाले की चवण का मकसद यो तो हाँ असकी हुकूमत एक इंतजामी ढांचो खाण के बदरा सिर्फ चंदा मुहिम में लगी वही है और सी टेक जो असे तरक्की जो एक सफर है जैसा असि तब्दीली अची सके थी जैसा असो जो विचुड़ल मू है जो वो माना खुशहाल थी सके तो उन मनसूबे से ध्यान देने के बदर उनके सुस्त रवे नजीर मुख्य बुधाजो तो सी पैक है मनसूबो जाहरी गाल में 50 अरब डॉलर की सीड़पकारी तो चीन कह जी पैसा पाकिस्तान के वापस करना जी 90 अरब डॉलर वापस करना 30 साल के अंदर सी पैक के कर पर हाँ ही जो 50 अरब डॉलर के बदले में 30 साल में 90 अरब डॉलर यानी कि 40 अरब डॉलर जो अस मतलब व्याज समझू या अस यो समझू तो भाई वो प्रॉफिट जो जनरेट थी वो शेयर थी इन भी का गाल बोल थी है चीनी परदेही वजीर सा जी चीनी परदे वजीर सा इन मामले से गालबोल थी है पाकिस्तान हुकूमत में जो आ चीन तरफा पाकिस्तान हुकूमत के यकीन दियारो है तो तवा इन मनसूबे के जो आ सो मुकम्मल करण में मदद कयो कर्ज है असा उन सिलसिले में तवाजी मदद करण लाए तैयार आयो पर जी इन सिलसिले में जी सऊदी जो वजीर इतलात जो है इंफॉर्मेशन वजीर उन जो आ पाकिस्तान के जो इन गाल की यकीन दियानी दियारी तो पाकिस्तान मथा जो कर्ज चढ़ी है अस उन में कर्ज लाने में अस मदद कर सकूँ था जर तुम जो है सो इन मनसूबे के थोड़ा सुस्त रवे जो शिकार कह तो असा जो है सो तुम गद हूँ छोजो खिते की जी सूरत हाल है वह खिते की सूरत ही है यह हालत है तो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान जो सफारत खानो आ वो जो आ मुसलसल अज 8 ढी बंद पो है जो आ परदे जो अमरीकी वजीर आयो वो पाकिस्तान में बटे कलाक दर्शन का सीधो इंडिया वो इंडिया में जो उन्होंने फौजी मुहिदा किया हि सजी गेम चेंजर जी सी पैक जरिए अचे पी उन रोकण के लिए या आलमी लेवल से साजिश कई पी वे पाकिस्तान जो है सो पे मसलत जो मान किरदार अदा कदे दहाप के तरीके से जो उन तरीके इन सी पैक वाले मामले के खिते की सूरत हाल उन कंट्रोल कर रही है ठीक है वही मेहरबानी तुम्हारी नजीर चारण व्यूअर्स इन में को शक को सी पैक न सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबो है पर यकीनन चीन के उनको इन कर भी फायदो चीन जो जो सामूरी सफर है वो घटी वो 1/3 ऑफ द टाइम विल बी सेफ इन प्रोजेक्ट के जरिए पर हाँ नई सरकार है यकीनन माजी में पीटीआई जो दोस्त सी पैक से गडियल जो रिथाऊँ आन उन में करप्शन जो जिक्र कंदा रहा कुछ जरिए मुताबिक यो भी चयो है तो हु मुकम्मल ऑडिट कराइन चाहन था करण चाहन था चाइनीज से भी उन्होंने गलो है जैसे थी सके तो चाइनीज रजामंद थी वन तो शक यो है तो इन प्रोजेक्ट्स में करप्शन थी थी सके तो इन इन प्रोजेक्ट्स के थोड़े देर के लिए रोको वे पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इन शे के जो सो बर्दाश्त कर सी जी असा वास्ता है चीन से चीन ढो एक्टिव लगो पो है इन मनसूबे के मुकम्मल कराने के हवाले से पर उन गड़ोगड़ जी मनसूबे की जी डिज़ाइन है उनमें जो तब्दीलू कराई हुई या जो कुछ रूट्स पंजाब में छिक्या हुआ या कुछ प्रोजेक्ट्स पंजाब में आंदा हुआ उन यकीन पाकिस्तान के बिन सूबन में एक कावड़ एहतजाज नजर आयो है हाँ ऐसो है नई सरकार इन मनसूबे के अगते किए थी वधाए बहरहाल इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट 50 अरब डॉलर चाइना के इन मनसूबे से खर्च करना है 30 साल के अंदर इन मनसूबे की तकमील का 30 साल के अंदर पाकिस्तान के 90 अरब डॉलर यानी कि 50 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट 40 अरब डॉलर उन मुनाफो चीन के वापस करणो है जहाँ यकीन एक तमाम वही रकम है पर पाकिस्तान इन सजे प्रोजेक्ट में पा कि फायद खो यह क्वेश्चन मार्क अना ती है जी नंबर ऑफ जॉब्स इन प्रोजेक्ट में जो जॉब क्रिएशन थी लोकल मानों के लिए उनको अंग भी तमाम घट बुधा पे वे एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट या जो प्रोजेक्ट की सारी साइज है बहरहाल तो नंढड़ी साई साई का अज अस एनालिसिस कंदी अज जो इक्तसादी राबता कमेटी की मीटिंग थी है जैमें फिलहाल गैस जो अग न वधाने का फैसलो तो किया है पर उन गो गु इन हक वजीर आजम के भी दिनों वो है तो जर चाहन तो गैस जो अग वधाए सकन था सिंध सरकार जा पांजा तहफुजात भी आन खास तौर से सेस ड्यूटी के हवाले से उनके भी वधाने जो गालू हलन पे उनते डिस्कस कंदी मुझे ब्रेक का टेलीफोन लाइन से ज्वाइन कर शायद आ वजारत जो मुआशी माहिर वो नंढी साई
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेकडाउन एंड काग में असा बुधायो त इक्तसादी राबता कमेटी की गर्जानी असा थोड़ो एनालिसिस वठंदासी। मुख्य टेलीफोन लाइन से जॉइन किया है नाले वारियों मुआशी माहिर आइन डॉक्टर शाहिदा विजारत साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि अब तक जितनी भी खबरें आपने सुनी मईशत की बेहतरी के हवाले से इस नई सरकार ने जो कहा उसको एज एन इकोनॉमिस्ट आप पाकिस्तान की मुआशी फवायद के जाविये में किस तरह देख रही हैं? देखिए अभी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई है जी, उसमें तो जो तो खुशी हुई उससे कुछ उन्होंने ऐसी तजावीज कंसिडर कर रहे हैं जो मैंने अपने स्टडी की थी, उसमें मैंने लिखा था कि ऑल्टरनेटिव क्या है आईएमएफ के पास जाने के बजाय हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने जो कुछ तजावीज दी थी तो उनको मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि जो हम चाइनीज राइस इम्पोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें, फल, चीज और इस किस्म की, उनको फिलहाल बैन कर दिया जाए ताकि उससे हम काफी हद तक तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर के हम जो देते हैं जिसमें थोड़ा सा चाय की मद में है वो अगर आप देते भी रहे अगर फिर भी आप कोई 3.5 बिलियन तक आप यूं बचा सकते हैं। ये मैंने तजवीज दी थी सितंबर 2017 में, एक कॉन्फ्रेंस की थी उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी को बुलाया, इन्वाइट किया था जो सदर आरिफ अलवी थे और ये मैंने तजावीज दी थी और मुझे पता चला है कि अब की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें इस तजवीज को कंसिडर किया गया। तो मैं समझती हूँ ये बहुत कुछ आएंगे क्योंकि अब तक हुकूमतें ये करती आई हैं कि बिल्कुल ही आईएमएफ की लाइन जो करती आई है तो अगर ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन को ये कंसिडर कर दें तो मैं ये समझती हूँ कुछ आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहबा इस वक्त तक जो हमने देखा है कि वफाकी सरकार का पूरा जो ध्यान है वो डैम के लिए चंदा इकट्ठा करने में है, तो मईशत हमें बजाहिर तो प्रायोरिटी पे नजर नहीं आ रही, सिर्फ डैम के लिए अगर आप चंदा इकट्ठा करेंगे तो फिर कर्जे कैसे उतरेंगे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे मीट होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे मीट होगा? क्या आप समझती हैं कि वाकई में गवर्नमेंट उस तरफ भी फोकस कर रही होगी? देखिए ये जो डैम है ये भी तो मईशत के लिए बहुत अहम है क्योंकि डैम बनेगा तो हम पानी का अपना जखीरा कर सकेंगे, उससे फिर हम बिजली तैयार कर सकेंगे, तो इसके भी मईशत है और यही वजह है क्योंकि 90 की दिहाई में जब हमारी हुकूमतों ने आईएमएफ से कर्जे लिए तो उसकी वजह से वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं हुए और पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं हुए, उसकी वजह से आज हम भुगत रहे। तो डैम भी आपको सब कुछ साथ लेके चलना होगा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहें कि आप कर्जे अदा कर रहे हैं सारी आप तवज्जो उसमें करते हैं और कर्जों के लिए तो मैंने जैसा ये स्टडी की है उसमें मैंने और भी तजावीज दी है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा है कि हम 6.7 बिलियन डॉलर का हम तेल इम्पोर्ट करते हैं जी। तो मैंने उसमें यह तजवीज भी दी है जैसा कि हमें ईरान ने 90 की दिहाई में ऑफर किया था, उन्होंने कहा था हम आपको तेल देंगे, जिस वक्त हम पे रशिया की सैंक्शन लगी हुई थी तो ईरान ने कहा था कि आप हमें डॉलर मत दीजिए, इसके बदले इस तेल के बदले आप हमें मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जो था हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वहां से आप हमें सीमेंट एंड शुगर प्लांट बना के दे दीजिए। तो इस तरह अगर हम करें कि तेल को हम बार्टर पे लेना शुरू कर दें तो हम एक बहुत बड़ी रकम जो बचा सकते हैं। फिर आप देखिए कि हम बहुत ज्यादा अभी भी इतनी तयुशात हम कर रहे हैं, गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल्स कर रहे हैं, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कर रहे हैं, तो मैंने इसमें ये भी कहा है कि इनको अगर हम बैन कर दें तो हम मैंने जो तखमीना लगाया है तकरीबन 13 बिलियन डॉलर हम इस तरह बचा सकते हैं और 13.5 बिलियन डॉलर और हमें जो इसको हमें चाहिए फौरी वो कोई 12 बिलियन डॉलर चाहिए, तो जितना चाहिए उससे ज्यादा हम मुहैया कर सकते हैं अगर हम अपने तयशात को फिलहाल रोक दें एक दो साल के लिए और अगर हम अपने जो जरूरी चीजें हैं उनको बाटर पे ले लें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हमेशा की तरह जब भी नई हुकूमत आती है तो इस बार भी कौम के ऊपर एक कड़ा वक्त है, मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं और अभी हमने पिछले हफ्ते आपने बड़ा ह्यू एंड क्राई सुना होगा गैस प्राइसेस के हवाले से,
आज सिंध हुकूमत का भी सेस ड्यूटी के हवाले से एक बयान आया कि जी फेडरल गवर्नमेंट ऐसे नहीं बढ़ा सकती है, तो आप महसूस कर रही हैं कि आवाम के ऊपर कुछ कठिन मरहले आने वाले हैं मुख्तलिफ नरखों के हवाले से, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा जनरेट करना है। जी हाँ, देखिए मैं समझती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह आवाम पे बोझ ना डाले जी, इससे ज्यादा जो तो आईएमएफ के सोल्यूशन थे कि आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को उन पे बिजली के रेट बढ़ा दें और गैस के रेट बढ़ा दें, ये तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो लोगों के लिए कहती है कुछ करना चाह रही है उसको ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। मैंने इसमें अपने जो मैंने आर्टिकल के लिखा था पेपर, इसमें मैंने और भी तजावीज दी है। मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा है कि देखिए पाकिस्तान जो है बहुत कुदरती वसाइल से मालामाल है, हमारी बहुत स्ट्रेटेजिक पोजिशन है और हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए पाकिस्तान ये करता है कि अपने कुदरती वसाइल और अपने हवाई रास्ते और जमीनी रास्ते मुफ्त में दे देता है बड़ी ताकतों को और दोस्त मुल्कों को और दुश्मन मुल्कों को, और फिर हम प्याला भीख का प्याला लेके निकलते हैं। हमें ये चाहिए, हम नेटो को इस वक्त हमने अपने जमीनी और फजाई रास्ते मुफ्त में दिए हुए हैं, इसका कोई जवाब नहीं है कि इतने बड़े दौलतमंद मुल्कों को आप सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इस पर मार्केट रेट पे इनको चार्ज करें, बजाय इसके कि आप आवाम पे टैक्सेस का बोझ डालें, आप बड़ी ताकतें अमीर मुल्क इनसे आप चार्जेस लीजिए, आप इनसे रास्ते के जो ये जमीनी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं उसके भी लीजिए और जो वो हवाई रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी उनसे चार्जेस लीजिए। फिर इसके अलावा हमने बहुत से कुदरती वसाइल के माहदे किए बहुत से मुल्कों के साथ और जिसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत से ऐसे माहदे हैं कि हमने जीरो रॉयल्टी पर 100 साल के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं, तो उन माहदों को भी नकलेसानी करने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि अगर हम ये सब करें, और इसके अलावा इस जो मेरा आर्टिकल है इसमें मैंने और भी बहुत तजावीज दी है। ठीक, मतलब ये है कि बहरहाल प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आम आदमी ये जानना चाहता है कि जी उनको रिलीफ कब मिलेगा, एक आम आदमी का सवाल है। आपके एनालिसिस के हिसाब से एक साल, दो साल, तीन साल या हुकूमत के जाने से कुछ माह पहले आवाम सुख का सांस ले पाएंगे? देखिए पूरा जिससे हम बनाते रहे कि हुकूमत की क्या तरजीहात होंगी, अगर वो बड़ी ताकतों को कुछ करने में लगी रहेगी और अगर वो उनको सब कुछ फ्री में देगी और सारा बोझ डाल देगी पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास पे, तो जाहिर है हुकूमत आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। मगर अगर हुकूमत को ये समझ में आ जाए कि हमारा फर्ज नहीं है बड़ी ताकतों की खिदमतें करना और उनको पाकिस्तान के सारे रास्ते फ्री में देना, देखिए हर मुल्क जो है जब उसके आप रास्ते इस्तेमाल करते हैं वो आपके चार्जेस लेता है। पाकिस्तान तो अभी भी बिल्कुल नौ आबादियाती निजाम में है जिसको कॉलोनियल सिस्टम कहते हैं कि हम अभी भी कॉलोनी बने हुए हैं, जो जो कॉलोनी होता था ना उनके रास्तों को और उनके कुदरती वसाइल को वो जो कॉलोनियल पावर थी वो मुफ्त में इस्तेमाल करती थी। हम अपने आप को आजाद मुल्क पे कहते हैं, हम बहुत ढंडोरा पीटते हैं अपनी आजादी का, हम बहुत जोश और खरोश से अगस्त मनाते हैं, मगर हम बिल्कुल अभी कॉलोनियल स्टेटस में हैं, नौबादियाती निजाम में हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जिन जिन मुल्कों को हमने ये कुदरती वसाइल मुफ्त में दिए हुए और फिर हम चार्जेस लें, और हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे आवाम पे ये सारे बोझ पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। व्यूअर्स डॉक्टर शायला विजारत जो तजियो तां बुधो यकीनन पोटेंशियल पाकिस्तानी मईशत में आए पर उनके कड़ी डायरेक्शन से कें हलो है यो फैसलो हुकूमत वक्त के करण है इतने टाइम थो नी साही जो पर साही के वन कागज में आऊँ यो बुधाई हलां तो अज फरजाना जमाली केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अची वही है। इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से यो ची सूँ तो इंक्वायरी रिपोर्ट मुताबिक फरजाना जमाली से कें भी किस्म की जिन्सी हैरेसमेंट न थी है, जैसे तो जो वारिस आन उ फरजाना जमाली के हवाले से जी रिपोर्ट आई है उन्होंने रद्द किया है, उन्होंने यो भी चेताव दिनों तो पाँच एहतजाज जो दायरो दाह जो दायरो वधाइंदा उन्होंने यो खदशो जाहिर किया तो सिंध हुकूमत के कुछ बासर मानून के चवण से यह रिपोर्ट जहाँ है सा आई है। इन रिपोर्ट में हैरेसमेंट के मामले के बिल्कुल भी यो दिखारे तो यो मामलो अड़ो कुछ थो ना है। वारिसन जो यो चवण है तो इन रिपोर्ट में सीधो सौ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरशद सलीम उतो मुबैन इल्ज़ाम हेठ मास्तर है
आमिर खटक उन्हनि खे बचाइण जी कोशिशि कई वई आहे सिंध सरकार पारां सिंध हुकूमत में वेठल कुझु बासर माण्हुनि जे चवण ते या उन्हनि जी सिफ़ारिश ते। बहरहाल हिते नंढड़ी साई साई खां पोइ सिंध यूनिवर्सिटी में 13 ॾींहनि खां इम्प्लॉइज़ जो एहतजाज जारी आहे। उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ॾियण जी कोशिशि कंदासीं त आख़िर इहो एहतजाज छो कयो पियो वञे, इन जे पोयां कहिड़ा कारण आहिनि। वठो था नंढड़ी साई। वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स हाणे ॻाल्हि कंदासीं सिंध यूनिवर्सिटी में, सिंध यूनिवर्सिटी इम्प्लॉइज़ एसोसिएशन मुसलसल एहतजाज करे पई ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त 2012 में अहिड़ा एहतजाज असांखे सिंध यूनिवर्सिटी में थींदा नज़र आया, पर उन वक़्तु उहे एहतजाज उन वक़्तु जे VC नज़ीर मुग़ल जे ख़िलाफ़ु हुया। हाणे जेको असांजा वाइस चांसलर आहिनि फ़तेह मोहम्मद बुरफत साहबु, उन्हनि जे हवाले सां काफ़ी ख़बरूं मीडिया में रिपोर्ट बि थियूं आहिनि, कुझु करप्शन जूं ख़बरूं आहिनि, कुझु पंहिंजा नवाज़ पॉलिसी जूं आहिनि, कुझु जूनियर्स खे सीनियर्स जी जाइ ते जेको आहे सो पाण मुरादो ई उन्हनि खे अपॉइंट करण जे हवाले सां, उन्हनि खे पोस्ट करण जे हवाले सां ख़बरूं हलनि पियूं। वधीक डिटेल्स असां ॼाणींदासीं। मूंखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे गुलाम नबी भलाई साहब, सेवा अॻवान आहिनि, उन सां ॻाल्हायूं था। अस्सलाम वालेकुम गुलाम नबी भलाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। साईं पहिरियां त इहो ॿुधायो त एहतजाज सेवा करे छो पई, छाजे करे करे पई? साईं असांजे मुलाज़िमनि जी हिकिड़ी तंज़ीम आहे सिंध यूनिवर्सिटी इम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन, उन तरफ़ां असां मुलाज़िमनि जे बुनियादी मसल लाइ ई असां एहतजाज शुरू कयो आहे ऐं हीउ एहतजाज असांजो अॼु असांखे 13 ॾींहुं आहे जी। ऐं उन लाइ असां जेको आहे सो सिंध यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सां ऐं रजिस्ट्रार सां काफ़ी दफ़ा जेको आहे सो रूबरू ॻाल्हियूं कयूं ऐं रिटन में जेको आहे असांखे ॾिनो हुयो मिनट्स त तव्हांजा हीउ मसला तमामु जल्द हल कंदासीं, पर उन ते को बि अमल पहिरां न थियो। उनखे 1.5 साल थी वियो आहे। अदावत करण न पई ॾिनी वञे ऐं ॿियो असांजो मसलो आहे त सिंध यूनिवर्सिटी अंदरि जेको आहे रिटायर मुलाज़िम जी औलाद खे नौकिरी ॾिनी वञनि त उहे असांजे लाइ कोटा मंज़ूर कोन थी कई वञे, न को उन मुलाज़िम खे नौकिरी ॾिनी थी वञनि, पर उल्टो उनजी जाइ ते वाइस चांसलर 300 खां वधीक माना अपॉइंटमेंट करे चुको आहे ऐं डायरेक्ट 16-16 ग्रेड में ऐं उनजो मिसाल तव्हांखे मुख़्तलिफ़ कैंपस में ऐं सिंध यूनिवर्सिटी जी हिकिड़ो पेट्रोल पंप आहे CNG आहे उन जॻह ते रेगुलर मुलाज़िमनि खे हटाए करे ऐं हिते कॉन्ट्रेक्ट ते पंहिंजा जेके मनपसंदि ऐं जेको आहे माना उते 16-16 ग्रेड में अपॉइंटमेंट कया अथसि। अहिड़े हिसाब सां 300 खां वधीक माना अपॉइंटमेंट करे चुको आहे। उन खां अलावा असांजे सिंध यूनिवर्सिटी अंदरि हिकिड़ो अहिड़ो जेको आहे तबिको आहे जेके टेक्निकल चयूं था, उन्हनि खे पर्सनल ग्रेड तहत उनखे प्रोमोट कयो वेंदो आहे ऐं उहा स्कीम मंज़ूरु थियल आहे। उनमें असांजो लेब असिस्टेंट बि अचे थो त असांजो क्लार्क बि अचे थो ऐं बेलदार माली पटे वारा सिक्योरिटी गार्ड सिलेक्टिव वर्कर अहिड़े मुख़्तलिफ़ केडनि जा 86 केडनि उन्हनि खे बि अपग्रेड कोन पियो कयो वञे। गॾो गॾु असांजे सिंध यूनिवर्सिटी खे जेको आहे सो ऐं ॿियनि यूनिवर्सिटियुनि खे बि जेको आहे माना हिकिड़ो सिंध गवर्नमेंट तरफ़ां एडहॉक रिलीफ अलाउंस ॾिनो वियो 2013 खां 2016 ताईं, उहो बि असांखे उनजो डिफरेंस न पियो ॾिनो वञे। अच्छा, हींअर ही तव्हां 4-5 मुतालबा ॿुधाया आहिनि। पहिरियां त मूंखे इहो ॿुधायो त जेको तव्हांजो प्लॉट तव्हांखे मिलिया आहिनि ऐं उन्हनि ते कब्ज़ा माफ़िया कब्ज़ो कयो वेठी आहे त उहा कब्ज़ा माफ़िया छा यूनिवर्सिटी जे अंदरि जेके माण्हू आहिनि बासर माण्हू आहिनि उन्हनि जो कब्ज़ो आहे या ॿाहिरिनि माण्हुनि जो कब्ज़ो आहे? साईं ॿाहिरियां जेको हितां जा जेके बासर माण्हू आहिनि इहे पाण जेको कब्ज़ो करे वेठा आहिनि ऐं उन जा बि जेके माण्हू ख़ासि आहिनि जेके उनजे चवण ते असां ते कूड़ा केस बि करे वेठा आहिनि। घणा प्लाट आहिनि, घणी ज़मीन आहे जंहिं ते कब्ज़ो हूंदो तव्हांजे हिसाब सां? हूअं त सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि खे ऐं उस्ताद आफ़ीसरनि खे जेका ज़मीन मिली आहे उहा त आहे 300 एकड़, पर उन सां गॾो गॾु ॿी बि जेका सिंध यूनिवर्सिटी ज़मीन आहे उन ते बि तव्हां वेंदो त लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जे पासे खां हिकिड़ियूं कूड़ियूं जेको आहे स्कीमूं जेको माना क़ाइम करे उन कब्ज़ा गिरनि उन ते कब्ज़ो कयो ठाहिनि। सिंध यूनिवर्सिटी में तव्हां ईंदो त असांजी हिते जेको वाटर सप्लाई जेका आहे जेका जंहिंसां यूनिवर्सिटी अंदरि पाणी अचे थो उनजे चौधारी जेको माना उते जेको आहे माना कब्ज़ा लॻा था घर ठाहिया था आहिनि। असांजी यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िम खे मिलियल 300 एकड़ ज़मीन आहे उन ते को कब्ज़ा कयो ठाहिनि जेको पूरी जेको माना सनतूं ॾेखारे त इहे जेके ज़मीनूं असांखे गवर्नर साहब तरफ़ां। अच्छा, इन 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 सॼे मामले में छा टीचर्स एसोसिएशन तव्हां सां गॾु आहे?
साईं हुन जी हिकिड़ो अलॻि फोरम आहे ऐं असांजो काफ़ी दफ़ा उन सां बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे। हाणे उन्हनि जो टीचर जो असांजे इम्प्लॉयर जो ऐं जेको ऑफिसर जो हिकिड़ो गॾियल वरी हिकिड़ी कमेटी जुड़ियल आहे जेको इन प्लाटनि ते, उन ते बि असां उन कमेटी में काफ़ी मतिलबु ॻाल्हायो आहे जी। पर छा जो असांजी आहे उन में जेका कमेटी में जेका मेंबर्स जेका असांजी आहे अक़लियत हुनजी अक्सरियत आहे ऐं वाइस चांसलर आहे त उहो जेको कमेटी सरबर आहे उहो उन ते अमल करे कोन थो। हाणे हीउ जेको तव्हां एहतजाज कयो आहे, तव्हां त मुतालबनि जी मंता लाइ एहतजाज कयो पिया, 13 ॾींहं थी विया आहिनि, तव्हांखे आसरा ॾिना पिया वञनि त ठीकु आहे, पर हाणे तव्हांजी पंहिंजी गट फीलिंग छा आहे त इन एहतजाज जो दायरो वधाईंदो या इनखे इते ई रखंदो ऐं इंतज़ारु कंदो त केतिरो इंतज़ारु कंदो ऐं उनखां पोइ तव्हांजा कहिड़ा मुतालबा हूंदा जेकर तव्हांजो इहो मामिलो हल नथो थिए त? साईं हिन पंहिंजे सिंध यूनिवर्सिटी इम्प्लॉयर जो त आउं प्रेसिडेंट आहियां, पर हुन सां गॾोगॾु मां सिंध जे तमामु यूनिवर्सिटी जे इम्प्लॉयर जो फेडरेशन जो चेयरमैन पिणु आहियां। मूंसां उहे सभु दोस्त हींअर राब्ते में बि आहिनि, सभई दोस्त फिलहाल बि असां फेडरेशन लेवल ते बि जेको आहे माना प्रोटेस्ट जारी रखूं। हा, अहिड़ो प्रोटेस्ट अॼु असांजे मेहरान यूनिवर्सिटी जे इम्प्लॉयर बि अॼु शुरू करे छॾियो आहे। अहिड़े हिसाब सां हीअ मामला जेकर नथा हलजनि, मां त इहे जेका करप्शन वारी जेका ॻाल्हि कंदे मां इहो चवंदुसि त असांजी सिंध यूनिवर्सिटी अंदरि करप्शन आहे, पर गॾो गॾु सिंध जे तमामु यूनिवर्सिटी अंदरि जेका करप्शन आहे उन ते असांजो वज़ीर आज़म साहिबु, चीफ जस्टिस साहिबु पाकिस्तान, नैब ऐं असांजो CM साहिब बि स्टैंड वठे त जेको आहे करप्शन जो इनखे इहो ख़ात्मो थिए, इनखे का रुकावट बणिजे। पर असांजा हीअ जेके बुनियादी हक़ न ॾिना वेंदा, हीअ करप्शन बि जारी साइज रहंदी त असांजी हीअ प्रोटेस्ट हीअ तहरीक बि जारी साइज रहंदी ऐं असां पोइ मजबूर थी करे असां सिंध लेवल ते फेडरेशन तरफ़ां बि असां वरी इहो प्रोटेस्ट जारी रखंदासीं ऐं पोइ असांजी कहिड़ी आहे मयार न ॾिए त बाबा हाणे हीअ तालीम दुश्मन आहिनि। तव्हांखे यादि हूंदो ज़रदारी साहिब त असां 2012 में बि जॾहिं असां हीअ प्रोटेस्ट कई हुई उन वक़्त जो वाइस चांसलर नज़ीर मुगल हुयो, उन वक़्त बि बे इंतिहा करप्शन हुई ऐं उन वक़्त बि असां इहा शइ कई हुई, असां नैब खे FIA खे सभिनी खे ख़तो किताब ॾिनी जंहिं ते पिणु जेका नैब एक्शन खयो हो ऐं उन ते बि काफ़ी इदारनि जेको उन अमल कयो। त हिन वक़्त बि आउं इहो ई मुतालबो कयां थो त असांजे बुनियादी मसइलनि सां गॾो गॾु सिंधी यूनिवर्सिटी अंदरि ख़ासि करे वाइस चांसलर जे जेके सेक्रेटरी जेको आहे हाफिज़ अबड़ो ऐं उनजो एडवाइज़र जेको आहे अमीर अबड़ो साहिबु, उन्हनि जेका करप्शन कई आहे उहा इंतिहा दर्जे जी करप्शन आहे। जंहिंमें तव्हांखे ॿुधायां त असां वटि यूनिवर्सिटी में मुख़्तलिफ़ सेक्शन सबूत आहिनि, भलाई साहिब सबूत आहिनि करप्शन जा, छो जो चवणु तमामु सवलो आहे। बिल्कुलु सबूत आहिनि, ऐं तव्हांखे इहो तव्हां सबूत ॾिसु, पर मां तव्हांखे तफ़सील थोरो ॿुधायां त उहा जेका कॉन्टीजेंसी मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट में मुक़ररु हुजे त VC हाउस, VC ऑफिस में ऐं फॉरन अफेयर में जेको उते जो हफ़ीज़ अबड़ो साहिबु जेको जेके पंज छह ते चार्जूं त उन्हनि 15,000 जी कॉन्टीजेंसी जॻह ते हिननि 6 लख रुपया ख़र्च कया आहिनि। 15,000 रुपया महीने जी जेको 14 ॾींहंनि में हिननि 6.5 लख रुपया ख़र्च कया आहिनि रोड जी मद में। रोड जेको वाइस चांसलर आहे जेको हाउस वारो आहे उहो अॻे ई जेको ठहियलु आहे ऐं उन ते कूड़ा वोचर ॾेई करे 2.5 करोड़ रुपया खाए वञनि या उनखां पोइ ठीकनि ऐं टेंडरनि जे वारे मामले ते तव्हां वञो यूनिवर्सिटी वेबसाइट ते 27 करोड़ रुपियनि जो जेको हुते ऑडिट ऑब्जेक्शन लॻो पिया त अहिड़े हिसाब सां खोड़ असां वटि प्रूफ आहिनि। या जेकर HEC तरफ़ां पाबंदी जेको हुजण जे बावजूदि बि त तव्हां गाॾी का परचेज कोन था करे सघो त ख़ुदि वाइस चांसलर हिकिड़ी वीगो 3.5 लख रुपए में ख़र्च कई आहे, वधी आयो आहे। त हाणे इहे मामला जेकॾहिं इहे सभु जेको आहे माना या सिंध यूनिवर्सिटी जेका ज़मीन आहे उहा जेको हिननि जेका 120 अरब में जेका हिननि उन जा पैसा वरिता आहिनि उहे पैसा काॾे विया ऐं उन ज़मीन जी तव्हां जेका फरोख्त कई आहे ऐं इन जेतिरा बि तव्हां पैसा किरोड़ ख़र्च कया आहिनि त कानून इहो यूनिवर्सिटी चए थो त उहा सिंडिकेट मां मंज़ूरु थी आहे। बग़ैर सिंडिकेट जे मंज़ूरी जे एतिरो कुझु यूनिवर्सिटी लुटणु फुटणु इहो गैर क़ानूनी आहे। असां इहो मुतालबो कंदासीं त पोइ पंहिंजे मसइलनि सां गॾो गॾु इन्हनि सभिनी करप्शन जी जांच थियणु घुरिजे त जीअं यूनिवर्सिटी जी ठीकु आहे। भलाई साहिबु वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांखे जॉइन कयो। व्यूअर्स, सिंध यूनिवर्सिटी में करप्शन जूं ॻाल्हियूं, करप्शन जूं ख़बरूं का नई ॻाल्हि कोन्हे, पर फतेह मोहम्मद बुरफत साहिबु जॾहिं अपॉइंट थिया सॼी सिंध उन्हनि खे वेलकम कयो, बट अनफॉर्चुनेटली हीअ त सिर्फ़ु मुलाज़िमनि जो इशू आहे पर ओवरऑल बि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ख़बरूं अचनि पियूं जिते कुझु डिपार्टमेंट्स जा हेड हटाए करे जूनियर फीमेल स्टाफ़ जे माण्हुनि खे लॻायो वियो आहे ऐं यकीननि आउं हिन ते वर्कआउट बि कयां पियो। जिन दोस्तनि वटि सबूत हुजनि करप्शन जे हवाले सां उहे मूं ताईं उहे सबूत पहुचाए सघनि था, छाकाणि त सिंध यूनिवर्सिटी ते जॾहिं बि को अहिड़े क़िस्म जो करप्ट माण्हुनि जो हमिलो थिए थो अनफॉर्चुनेटली या वरी
सिंध यूनिवर्सिटी में इन किस्म जो बेजाबतगियों थियन थी तो असा हमेशा सिंध यूनिवर्सिटी के हक में आवाज़ उथारो है। कोशिश कई सी वाइस चांसलर साहब के पे प्रोग्राम में शामिल कर उन्होंने मौकफ़ भी बुधूँ पर एज़ यूजुअल उन्होंने नंबर बंद है खबर ना कड़े टाइम तक खोलींदा पर यकीनन इन प्रोग्राम के जरिए मैं उन्होंने भी यो अर्ज़ रखुस तो वह जो मौकफ़ दियण चाहनता हू जो पान के डिफेंड करना चाहनता इन सभी इल्ज़ाम एहतजाजन के हवाले से तो मुझे प्लेटफॉर्म उन्होंने धरती टीवी जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बिल्कुल अवेलेबल है। व्यूअर्स अजोके प्रोग्राम में एतरो ही शौक़ ज़रदारी के अंदर प्रोग्राम तीन इजाज़त अला भाई।